कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी का तीसरी मर्तबा नेशनल कॉन्वेनर चुन लिया गया। उनके नेशनल कॉन्वेनर चुन लिए जाने की खबर के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और अभी पत्रकार श्री आशुतोष ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी नाराजगी इस तरह व्यक्त की है कि जब तमाम की तमाम सियासी पार्टियां जेबी पार्टी बन जाए तो फिर इस देश का क्या होगा। आप उनके ट्वीट को देख लेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा अपने स्क्रीन के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे आंदोलन के साथ जुड़े थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं सियासत में आ रहा हूं तो सियासत को बदलाव दिखाना चाहता हूं, सियासत में बदलाव दिखाऊंगा। मैं सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आ रहा हूं, बल्कि सत्ता किस तरीके से चलाई जाती है इसको दिखाने के लिए आ रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अरविंद केजरीवाल जी भी आम आदमी पार्टी के वो नेता बन गए जो कि दूसरे अहम पार्टियां हैं, जिन्हें आप प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां कह सकते हैं। देश में ऐसी कई पार्टियां हैं जिनमें कोई डेमोक्रेसी नहीं, उसके अध्यक्ष और उसके संयोजक जो भी बनते हैं उन या तो वो बनते हैं या उनके फैमिली का कोई मेंबर बनता है। तो क्या आम आदमी पार्टी भी उन तमाम सियासी पार्टियों में से एक हो गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ जेबी पार्टी बन के रह गई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है, जहां पर कोई दूसरा नेता उस लायक नहीं है जिसे वो कमान संभाल सके और उस पर एतमाद कर सके। मैं कहना चाहता हूं कि आपके सामने में हिंदुस्तान में बेशुमार ऐसी पार्टियां हैं, कुछ चंद पार्टियां ऐसी हैं जो अहम कहा जा सकता है, उनके जो हश्र है उसे आप भली भांति जानते हैं और उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर सोचा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी की कमान, पार्टी की बागडोर अपने पास रखा। कांग्रेस की हालत देख रहे हैं, एक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने नेहरू गांधी फैमिली से अलग जाने की कोशिश ही नहीं की, किसी पर भरोसा ही नहीं है। समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, वो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र हैं, इसलिए उन्हें पार्टी की कमान संभालनी पड़ी। लोक जनशक्ति पार्टी को देख लीजिए, चिराग पासवान रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, इसलिए वो पार्टी को चला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को देख लिया, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, इसलिए वो पार्टी को चला रहे हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी को देख लीजिए, दूसरा कोई नेता नहीं है कि जो उनके बाद उस पार्टी को चला सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला है। आप एनसीपी को देख लीजिए, शरद पवार के अलावा कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आएगा। शिवसेना को देख लीजिए, ठाकरे फैमिली से आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रहे हैं। मायावती जी के बीएसपी को देख लीजिए, मायावती के अलावा कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं या बनाया ही नहीं गया है। इसके अलावा बहुत सारी पार्टियां ऐसे हैं जिसे आप देख सकते हैं जो सिर्फ का सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड जेबी पार्टी हैं, और इसी पर आशुतोष जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। और नाराजगी व्यक्ति सिर्फ इसलिए की है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यह ताल ठोक कर कहा था कि हमारी पार्टी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और वो आम पार्टियों के अलग होगी, जहां पर डेमोक्रेसी होगा। उन्होंने जो अपने नियम कानून जो कहते हैं कि पार्टी का संविधान बनाया था, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति दो मर्तबा अध्यक्ष या कॉन्वेनर रह सकता है, इसके अलावा नहीं रहेगा। लेकिन जब बात तीसरी मर्तबा की आई तो पार्टी के संविधान में बदलाव किया गया और यह कहा गया कि दो मर्तबा के बाद भी अगर चाहे तो पार्टी का कॉन्वेनर बन सकता है। ये पार्टी और दूसरी पार्टियां जिनका तस्करा मैंने पहले कहा है वो में कोई फर्क नहीं है। ये सही है कि आपने बिजली मुफ्त की, ये सही है कि आपने पानी मुफ्त किया, ये सही है कि आपने स्वास्थ्य पर अच्छा काम किया, ये सही है कि आपने शिक्षा पर अच्छा काम किया, लेकिन आपकी पार्टी डेमोक्रेसी में कोई बिलीव नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ आप सत्ता के लालची हैं, आप कुर्सी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने आइडियोलॉजी को बदल सकते हैं, इसे हम और आप अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर डेमोक्रेसी है और वो सबसे अहम है, इसीलिए शायद सबसे बड़ी पार्टी आज के डेट में मानी जा रही है। आप जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अमित शाह साहब थे तो उन्हें जीत का एक गुरु माना जाता था, बहुत सारे इलेक्शन में उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई। अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो वो भी अपने संविधान में बदलाव कर अमित शाह साहब को अध्यक्ष की हैसियत से नहीं हटाते, लेकिन उस चरम पर रहने के बाद, उच्च ऊंचाई पर रहने के बावजूद उन्हें
अध्यक्ष पद से हटना पड़ा और जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए। ये बहुत बड़ी चीज है और इसे समझनी होगी और पार्टी की मजबूती के लिए बहुत अहम भी है, क्योंकि आम कार्यकर्ता इस बात पर गुमान करता है कि शायद कल मेरा वक्त आएगा। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि कोई भी बात ऊपर नहीं कर सकता, भले ही नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से आगे कोई बड़ा पार्टी लीडर नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो 2 महीने में 3 मुख्यमंत्री को बदल सकता है, जिसको हम पचा भी नहीं पाते कि वजह क्या है। इसके अलावा आपने देखा कानून मंत्री को बदल दिया गया, शिक्षा मंत्री को बदल दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिनका मर्तबा ऊंचा था, बड़े अहम थे, बहुत ही हर्दिल अजीज थे, बहुत ही लोकप्रिय थे, बहुत ही करीबी माने जाते थे, बावजूद उनको बगैर किसी नोटिस के हटा दिया। ये है डेमोक्रेसी की ताकत, क्योंकि वहां पर एक आइडियोलॉजी है, वहां पर एक संविधान है जिसके तहत काम किया जा रहा है, जो कि दूसरी पार्टियों में नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे दीगर पार्टियां, जिसका तस्करा मैं कर चुका हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी, जिन्होंने ये ताड़ ठोक कर कहा था कि मैं बिल्कुल सियासत को बदलना चाहता हूं, उन्हें खुद अपने आप के गरिमा में झांकना होगा, क्योंकि उन्होंने वही किया जो दूसरी पार्टियां करती हैं। जब राज्यसभा की बात आई तो उनके पास बड़े अच्छे काबिल लोग थे, अगर चाहते तो संजय सिंह के अलावा कुमार विश्वास को भेज सकते थे, योगेंद्र यादव जी को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें डर था कि ये लीडर हमसे बड़ा ना हो जाए, वो हम पे काबिज ना हो जाए, आम आदमी पार्टी उसके हाथ में न चला जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आपको एक मरतबा सिर्फ सोचना चाहिए, संविधान में बदलाव से पहले सोचना चाहिए, और फिर आपने जो बात कही अपने कार्यकर्ताओं से कि आप काम करें, आप कुर्सी की लालच न करें, आप सत्ता के लिए काम ना करें, आप टिकट के लिए काम ना करें, बल्कि आप काम करें समाज के लिए, तो फिर इस तरीके से तो आपको भी सोचना होगा। आप मुख्यमंत्री भी हैं, आप पार्टी के मुखिया भी हैं, ये कैसे चल सकता है लगातार। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन।